देखिए अपन का जो चैप्टर है वो बताइए कि उपसर्ग संयोजक यौगिक अपना चैप्टर चल रहा है और इसमें जो टॉपिक है अपन पढ़ा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पढ़ा रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे कहते हैं संयोजकतावान सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको अपन? संयोजकतावान सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे अपन शॉर्ट में बीबीटी कहते हैं, ये अपने टॉपिक पढ़ाया था। देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये दिखी लाइनस पॉलिंग है, इसके नियम्स क्या होते हैं? नियम हमने आपको बता दिए हैं, प्रत्येक गोल्स मैंने आपको बता दिया है। दोबारा से मैं एक बार नियम बता दूँ। मैं सबसे पहले केंद्र धातु परमाणु होता है अपनी ऑक्सीजन अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन जाकर धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है, सबसे पहला गोल है ऐसा। दोबारा नियम बता रहा हूँ मैं, इसकी मैं लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाऊ मैंने पहले भी है। दोबारा नियम देखिए, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन जाता है और धनायन परिवर्तित हो जाता है। दूसरा रूप देखिए, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वह लिगैंड की संख्या के बराबर रिक्त कक्ष को उपलब्ध कराता है। केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड की संख्या के बराबर रिक्त कक्ष को उपलब्ध कराता है और कक्षक रिक्त होने पर वो संकृत हो जाते हैं और वह उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। तीसरा रूप मैंने आपको क्या बताया, यदि संकरण में आंतरिक कोश के सुनील द्वारा यदि संकरण में आंतरिक कोश के n माइनस वन डी कक्षक, यदि संकरण में आंतरिक कोश के n माइनस वन डी कक्षक जिसे 3d कक्षक कहा जाता है भाग लेते हैं, यदि संकरण में आंतरिक कोश के n माइनस वन डी कक्षक यदि 3d कक्षक भाग लेते हैं तो उसे आंतरिक कक्षक संतुलन या निम्न चक्र संतुलन या चक्रण युग्म संकरण कहा जाता है। और यदि संकरण में बाह्य कोश के n कक्षक भाग लेते हैं जिसे हम 4d कक्षक भी कहते हैं, यदि संकरण में बाह्य कोश के n कक्षक 4d कक्षक भाग लेते हैं तो उसे बाह्य कक्षक संकरण या उच्च चक्र संकरण या चक्रण मुक्तन संकरण के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनिए, यदि संकरण में आंतरिक कोश के n माइनस 1d कक्षक यानी 3d कक्षक भाग लेते हैं तो उसे आंतरिक कक्षक संकुलन, तो उसे आंतरिक कक्षक संकुलन, तो उसे आंतरिक कक्षक संकुलन इसे कहते हैं निम्न चक्र संकुलन। उसे कहते हैं चक्र युग्म संकुलन। बाह्य कक्षक संकुलन कहा जाता है, बाह्य कक्षक संकुलन या उच्च चक्रण संकुलन कहा जाता है, उच्च चक्रण संकुलन या चक्रण मुक्तल संकुलन कहा जाता है। यानी इसमें डीप कोस बाद में आता है। दोबारा सुन लीजिए, यदि संकरण में बाह्य कोश के एंड में थोड़ी कक्षक भाग लेते हैं तो उसे बाह्य कक्षक संकुलन या उच्च चक्र संकुलन या चक्र मुक्तल संकुलन कहा जाता है। ये चौथा रूप था। पांचवा रूप क्या है? पांचवा रूप ये था कि यदि संकरण यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि कोई भी संकुल है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर उसकी प्रकृति होती है वह अनुचुंबकीय होती है। यदि किसी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है और वह संकुल जो होता है वह संकुल रंगीन होता है, कलरफुल होता है। और समारोह यह है, यदि किसी संकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह चुंबकीय होती है, डायमैग्नेटिक होती है और वह संकुल कलरफुल ना होने के कारण होता है, रंगहीन होता है।
चूंकि संपूर्ण में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उसका चुंबकीय आघूर्ण निकाला जा सकता है, और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र है न्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू पी एम। न्यू का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण है, ये अंडर रूट एन एन प्लस टू एन का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इसकी इकाई होती है पी एम एन बोर मैग्नेट्रॉन। क्या होती है? बोर मैग्नेट्रॉन इसकी इकाई होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला है देखिए भाई, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम। न्यू एक चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण को हम न्यू से शो करते हैं, एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और बी एम बोर मैग्नेट्रॉन है जो चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया था। एक बात और बताई थी, प्रबल क्षेत्र विघटन होने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, और दुर्बल क्षेत्र होने दुर्बल क्षेत्र विघटन होने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। यदि विघटन प्रबल क्षेत्र से है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। जैसे प्रबल क्षेत्र विघटन कौन कौन से हैं? एमीन है, एनएच3 है, उसके बाद एन सी एच क्या है, एन सी एच एसिड डाइमीन है, ई एन क्या है, ई एन सी और कार्बोनिल है, सी एन है साइनाइड, जिसे साइनो कहते हैं, क्या कहते हैं साइनो, और क्या है NH2 हाइड्रोजन है। जबकि ध्रुवल क्षेत्र के नाम पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। अब ध्रुवल क्षेत्र के कौन कौन से होते हैं? ध्रुवल क्षेत्र के होते हैं आपके F- है, Cl- है, Br- है, I- है, क्या है, I- है, Cl है, OH- है, H2O, ये सभी कैसे विघटन है ध्रुवल क्षेत्र के। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल सुन लीजिए, क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड में, CONH3 का ऑल सिक्स CL3, CONH3 का ऑल सिक्स CL3 में आपसे पूछेगा इसमें संकरण होता है, इसमें ज्यामिति कौन सी होती है बताइए, उसके बाद इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है ये बताइए, और संकुल कैसा होता है, कलरफुल होता है कलरलेस होता है, संकुल कैसा होता है कलरफुल होता है कलरलेस होता है, ये भी आपको पता नहीं, यानी कि इसमें कंप्लीट कुछ चीज़ें वो पता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, CONH3 का ऑल सिक्स CL3 है, अब इसमें देखिए एक संकुल यौगिक है, कोक्सस यौगिक है, CL3 है माइनस की हो जाएगा, मैंने आपको पता ही है, और फिर हो जाएगा आपका प्लस की, क्या हो जाएगा प्लस थ्री। नेक्स्ट देखिए NH3 एमीन उदासी लगे हैं, इस पर चार्ज कुछ नहीं होता है, तो प्लस थ्री इसी पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो CO यहाँ प्लस थ्री ऑक्सीजन अवस्था में उपस्थित है। अब देखिए आप सबसे पहले हम पता लगाइए कि इसमें संक्रमण कौन सा है, सबसे पहले CN देखिए, CN देखिए, CN वाला होता है लिगेंड वाला तंतु, लिगेंड गुणा तंतु, लिगेंड कितने हैं छह, कौन सा तंतु क्या है एक, छह के संकरण कौन सा होता है, एक तो होता है sp3d2 और दूसरा होता है d2sp3। अब इन दोनों में से कौन सा संकरण है ये आपको ज्ञात करना है, इन दोनों में से एक संकरण है, इसको ज्ञात करने के लिए अपने पास एक ट्रिक होती है, यदि लिगेंड कौन सा है NH3, यदि लिगेंड कार्बन या नाइट्रोजन से प्रारंभ हो, दोबारा सुनिए, यदि लिगेंड कार्बन या नाइट्रोजन से प्रारंभ हो तो डी उपोज पहले आता है, तो डी उपोज पहले आता है आपको ध्यान रखना है। दोबारा याद लेता हूं मैं, देखिए यदि लिगेंड सी एन कार्बन या एन नाइट्रोजन से प्रारंभ हो तो डी उपोज डीपोज पहले आता है, यदि लिगेंड कार्बन नाइट्रोजन से प्रारंभ हो रहा हो तो डीपोज पहले आता है, ध्यान रखना।
डीन कोस पहले आ रहा है तो इसमें संक्रमण कौन सा होगा डी टू एस पी थ्री। ध्यान रखना इस चीज को, ये एक ट्रिक होती है संक्रमण निकालने। अब देखिए आप इसमें केंद्र धातु परमाणु क्या है, सीओ कोबाल्ट जिसे कहते हैं, सीओ है, सीओ का परमाणु क्रमांक कितना होता है 27। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 इलेक्ट्रॉन से होंगे 2 और 4 से 10 और 2 12 से 18 20 और ये होंगे 27 और ये हो गया आपका 4p यहां पे गिवन जीरो फिर अब क्या 4p 0 p में एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहां पे आप CO CO यहां पे CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 3 10 3। देखिए इसमें एक बात बता देता हूं, संकरण कौन सा निकला था D2S3। तो D कक्षक को आएगा, S कक्षक को आएगा, P कक्षक को आएगा, तो D2S3 हो गया है। उसके बाद देखिए CO+3 लिखा मैंने यहां पे, ये यहां से यहां तक का विन्यास हो गया किसका R1, इसका हो गया R1। इसको आप यूं भी निकाल सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहां पे प्लस 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहां से गए और एक यहां से गया, ये रह जाएगा आपका 3d6 और ये हो जाएगा आपका 4s0 और ये हो जाएगा 4p0। ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से गए और एक यहां से गया, 3d6 रह गया, 4s0 4p0। अब d कक्षक भाग रहा है, s भाग रहा है, p भाग रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आप CO+3 की हम आद्य अवस्था देखते हैं, देंगे ग्राउंड स्टेट देते हैं डी कक्षक 5 होते हैं, बन जाते हैं डी कक्षक 5 हो गए इस प्रकार से, एस ए भी है और बी ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। 3d में डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4 5 और एक बोली 6, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए एस में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और पी में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये CO+3 की एक अध्यावस्था है जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में आगे देखिए बता रहा हूँ, ये हो गया आपके D2SP3 संकरे कक्षक।
ये D2 sp3 संकेत कक्षक है, CO+ के D2 sp3 संकेत कक्षक, D2 sp3 संकेत कक्षक। नेक्स्ट देखिए, हमें देखिए अपन देखिए रंगी हुआ है, अब CO+ के CONH3 का होल सेट CL3 के D2SP3 संकृत कक्षक यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है? CONH3 का होल सेट CL3 के D2SP3 संकृत कक्षक हम बना रहे हैं अपन, ये तीन कक्षक अलग से लिख लिए अपन ने इस प्रकार से, और ये कक्षक हो गए D2SP3 D2SP3, ठीक है ना? यहाँ पे लिगेंड कौन सा आएगा? NH3। ये NH3 लिगेंड आएगा यहाँ पे और ऑक्सीजन संयोजी बंध बना देगा। ये लिगेंड है कौन सा? NH3। देखिए ये NH3 है, ये भी NH3 है, ये भी NH3 है, ये भी NH3 है, ये भी NH3 है, और ये भी क्या है? NH3। देखिए यहाँ पे सभी लिगेंड है, ये D2SP3 संकेत कक्षक हो गए C1SP3 और CL3 के। अब बात करते हैं इसकी ज्यामिति के बारे में, ज्यामिति कैसे होती है इसकी, क्योंकि D2SP3 संकरण है, इसकी ज्यामिति अष्टफल की होती है, इस प्रकार से बीच में केंद्र धातु परमाणु क्या है? CO NH3 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए NH3 और यहाँ पे हो जाएगा NH3 और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं CO+3, ये प्लस की बनी है। तो ज्यामिति कैसे हो गई इसकी? अष्टफल की कैसे हो गई? अष्टफल की ज्यामिति हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें चुंबकीय आवेश है नहीं, प्रकृति देखते हैं, प्रकृति कैसी है इसकी? प्रतिचुंबकीय है। कैसी है? प्रतिचुंबकीय इसकी प्रकृति है, और इसमें चुंबकीय आवेश का मान यू बराबर कुछ भी नहीं है, जीरो, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। और इसमें एक बात बता देता हूँ, इसमें आंतरिक कोष के N-1d कक्षक काम में लिए गए हैं, इसमें आंतरिक कोष के N-1d कक्षक काम में है, थ्री कक्षक भाग ले रहे हैं, देखो थ्री कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको आंतरिक कक्षक संकरण या निम्न चक्रण संकरण या चक्रण युग्मित संकरण कहा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया CONH3 का होल सेट CL3, एक एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, मैं एक अगला एग्जांपल बता रहा हूँ अभी आपको, देखिए भाई देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है कि CO6 अगला जो एग्जाम्पल है वो है K3CO6। एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको बताना है कि इसमें संकरण कौन सा है, इसमें ज्यामिति कौन सी है, इसमें इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, और इसमें चुम्बक के आवेश का मान कितना है और कैसा है, ये संकुल है, रंगीन है, कलरफुल है, कलरलेस है, ये आपको बताना है, ठीक है ना? इसमें अब देखिए, इसमें आप सबसे पहले CN निकाल लिया करो, CN कितने आ रहे हैं इसमें देखिए आप, CN लिगेंड वाला तो लिगेंड 6 है, तंतु के एक ही है माइनस 6, वो जो आ रहा है sp3d2 sp3d2 है, d2 sp3 से संकरण है। देखिए भाई, इसमें sp3d2 या d2 sp3 एक संकरण है, या फिर को पता करना है कि इसमें sp3d2 संकरण है, d2 sp3 इसके लिए मैंने आपको बताया था, यदि लिगेंड कार्बन या नाइट्रोजन से प्रारंभ होता है, यदि लिगेंड कार्बन या नाइट्रोजन से प्रारंभ होता है तो उसमें डी फोस पहले आता है, लेकिन यहाँ लिगेंड H-2 है, ऐसी स्थिति में लिगेंड ना तो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है ना ही नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में डी फोस बाद में आएगा, इसमें संकरण कौन सा है? sp3d2 है, संकरण कौन सा है इसमें? sp3d2 संकरण है। देखना हो इसमें लिगेंड
उसमें लिगेंड ना तो सी से और तथा ना ही एन से प्रारंभ हो रहा है। इस स्थिति में दीप कोष बाद में आता है। दीप कोष बाद में आता है। अब देखिए इसमें दीप कोष बाद में आता है तो संकर कोष हो गया है इसमें थ्री। अपन जानते हैं यहाँ प्लस तीन हो गया तो देखिए यहाँ पे माइनस तीन हो जाएगा तो सी यू कितना जाएगा यहाँ पे प्लस तीन ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अल्पमोड क्या है सी ओ परमाणु क्रमांक कितना होता है 27 तो हो गया 1H2 2H2 3H2 3P6 3D 4H2 3D 7 हो गया है 4H2। अब देखिए 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 3D 7 4H2 2 2 4 4 10 12 18 7 25 27 संकलन H3 3D 2 है। अब इसमें ओपी भी क्या मानेंगे अपन जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे जीरो। और फोर्डी भी क्या मानेंगे इसमें अपन जीरो। ये संकलन एस पी थ्री टू है। एस अक्ष भाग रहा है पी भाग रहा है डी भाग रहा है। नेक्स्ट देखिए आप उसमें क्या होता है। अब देखिए सी ओ प्लस तीन देखता हूँ सी ओ का ऑक्सीजन कितना है प्लस तीन है। देखिए यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ से एक गया तो ये रह गया। यहाँ पे मैं आठवें तक का विन्यास कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए ये विन्यास कंप्लीट हो जाएगा आठवें तक। 1H2 इसको लिख रहा हूँ 2H2 2P6 3H2 और हो गया 3D6। ये तो हमने सेम उतार दिया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो रहा है 3D6 हो जाएगा 4H0 हो जाएगा 2P0 हो जाएगा 4D भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना भाई। क्योंकि ये कक्षक भाग ले रहे हैं ये कक्षक भाग ले रहे हैं किसमें संकरण में भाग ले रहे हैं। ये कक्षक संकरण भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें देखिए Cu+3 जो Cu+3 है आद्य अवस्था बनाते हैं अपन। देखिए ये 3D हो गया 3D कक्षक किस हो गए 5 4S0 हो गया 2P0 है और 4D द्वारा गया। ये 3D है ये 4S है 4P है 4D है 3D सबसे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना भाई। उसके बाद शरीर में क्या है खाली है क्या है खाली। अब देखिए इसकी उत्तरी अवस्था नहीं बनाई जा सकती है। आप देखते हैं Cu+3 के sp3d2 संकृत कक्षक sp3d2 संकृत कक्षक देखिए। अब इसके sp3d2 संकृत कक्षक हम बनाते हैं। इस d को अपन यूनिट क्यों डालेंगे। दो इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे देखिए भैया देखिए 1 2 दोबारा से बनाता हूँ मैं इसको वहीं। दो इलेक्ट्रॉन हो गए इस प्रकार से 1 1 1 हो गए। sp3d2 संकरण है sp3d2 इनको ही काम में ले जाएगा sp3 1 2 3 2। ये sp3 d2 संकृत कक्षक हैं और जो भाग निकले रहे हैं उनको हम उत्तरी में देते हैं ये इस प्रकार। ठीक है ना भाई। तो ये कक्षक भाग निकले रहे हैं 4D कक्षक हैं संकृत कक्षक हैं 4D। नेक्स्ट देखिए ये अपन ने दिया Cu+3 के sp3 d2 संकृत कक्षक। अब नेक्स्ट नंबर पर लिखने वाला हूँ उसको हटा सकता हूँ भाई।
नेट देखिए ए थ्री सी वर्सेस के HP3D2 संकृत कक्षक है HP3D2 संकृत कक्षक। इसको कैसे लिखेंगे अपन देखिए, इसको हम यहाँ भी जो डालेंगे ये 3D है, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक 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 और एक, ये HP3D2 संकृत कक्षक है। HP3 तो 3 और D2 SP3D2 SP3D2 संयुक्त कक्षक है, इनको हम योगिक लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, F, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिगेंड है यहाँ पे आएगा F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस और F माइनस, ये सभी क्या हो गए लिगेंड आ गए। अब देखिए इसकी ज्यामिति कैसे होगी, इसकी ज्यामिति देखिए, ज्यामिति होगी इसके इस पर भी है, इन्हें धातु प्रमाण क्या है CO, देखिए F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस और F माइनस को संबंध लेंगे अपन, यहाँ पे रहेगा -3, ये रहेगा -3 क्योंकि यहाँ प्लस की है, यहाँ पे रहेगा -3। ठीक है भाई, ऐसी ज्यामिति होगी, कैसी ज्यामिति होगी इसकी, अष्टफल की है। अब प्रकृति के बारे में बात करते हैं, प्रकृति कैसी है इसकी, 1 2 3 4 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय है, कैसी है अनुचुंबकीय इसकी प्रवृत्ति है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है इसकी, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, तो उसे चुंबक के आघूर्ण निकालेंगे अपन, चुंबक के आघूर्ण निकालेंगे तो सोचते हैं म्यू बराबर अंडर रूट n n + 2 bn, n का मतलब आपको पता है, n का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो 4 4 + 2 म्यू बराबर 4 4 + 6 = 24 हो गया, क्या हो गया 24, उसका मान आ गया √24, कितना आ गया √24 bm, इसको नाम दिया बोर मैन का, क्या है तो bm, और इसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई अनुचुंबकीय। ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है। एक बात बता दूं, इसमें इसमें बाह्य कक्षक के हैं, बाह्य कोश के एनडी कक्षक काम में ले गए हैं, बाह्य कोश के एनडी कक्षक काम में ले जाने के कोडी कक्षक काम में ले जाने के कारण बाह्य कक्षक संकुलन कहता है, क्या कहा जाता है बाह्य कक्षक संकुलन, इसमें बाह्य कोष के द्वारा बनी है, इसमें बाह्य कोष के एनडी कक्षक या फोर्डी कक्षक काम में लिए जाने के कारण यह एक बाह्य कक्षक संकुलन है, बाह्य कक्षक संकुलन है, यह बाह्य कक्षक संकुलन है, जिसे हम उच्च चक्र संकुलन भी कहते हैं, उसे चक्र मुक्त संकुलन भी कहा जाता है। अब ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो लिगेंड है ये कैसे लिगेंड है, दुर्बल स्थितिज है, इसमें इलेक्ट्रॉन संयुग्मन नहीं होता है, ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा, नोट्स हैं आपके पास, उसमें देख लेना, इसमें नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, नेक्स्ट मैं एग्जांपल समझा रहा हूं यहां पे, देखिए NaCl4 -2 NaCl4 -2 NaCl4
सीएल को माइनस टू में अपन को देखना है कि इसमें संख्या बहुत सारे है। सबसे पहले सीएल निकाला करो, सीएल कितना है, चार होना है, एक बराबर कितना है, चार। चार पे संकरण है तो एसपी थ्री होता है या फिर डीएसपी टू होता है। अब ये अपने ज्ञात करना है कि इसमें संकरण एसपी थ्री या डीएसपी टू है। अब लिगेंड कौन सा, सीएल माइनस। और लिगेंड मैंने आपको बताया था कि यदि लिगेंड कार्बन है प्रारंभ से, कार्बन या नाइट्रोजन से प्रारंभ हो तो ड्यू फोर्स पहले आता है। दोबारा सुनिए, इसमें लिगेंड कौन सा है, सीएल माइनस। मैंने आपको बताया था यदि लिगेंड कार्बन या नाइट्रोजन से प्रारंभ हो तो डी फोर्स पहले आता है। यदि लिगेंड कार्बन नाइट्रोजन से प्रारंभ हो तो डी फोर्स पहले आता है। इसमें लिगेंड ना तो कार्बन से प्रारंभ हो रहा है, नाइट्रोजन से प्रारंभ हो रहा है। इसमें पूरा सीएल क्या है, सीएल यानी क्लोरीन है, यानी क्लोरो है, क्या है, क्लोरो। तो इसमें ना तो सी है ना ही एन है, इसलिए इसमें जो संकरण है वह कौन सा है, sp3 है। कौन सा है, sp3। अब देखिए ni कौन सी अवस्था में है, अभी h2 अवस्था में। अब ni h2 अवस्था में तो ni का परमाणु क्रमांक आप जानते ही हो, ni का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28। 1h2 2h2 2p6 3h2 3p6 3d8 4H2 और हो गया 4P0। अब नेक्स्ट देखिए Ni प्लस 2 की बात कर रहा है वो, Ni प्लस 2 है क्या है, Ni प्लस 2, Ni क्या है, प्लस 2। अब Ni प्लस 2 है तो आप देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएंगे, तो जाएगा 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 3D8 ले जाएंगे आपने, 3D8 ही है, 4S0 4P0 संकरण कौन सा है, sp3। तो S और P को छुपा लेंगे, बोले ठीक है। नेक्स्ट देखिए Ni प्लस 2 की अध्यवस्था, Ni प्लस 2 की आद्य अवस्था, Ni प्लस 2 की आद्य अवस्था पर निकाल रहे हैं। तो ये पहली कक्षा ले लिया, डी कक्षक 5 होते हैं, 4s एक ही होता है और 4p 3 होते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। 3d में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली ये है आपका 4s, 3d है, ये क्या है आपका 4s। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये इसकी क्या हुई अध्यवस्था, क्या हुई अध्यवस्था। अब इसकी उद्योग अवस्था निकाल लेती है। अब देखिए Ni प्लस 2 के sp3 संकरित कक्षक, sp3 संकरित कक्षक, इसमें देखिए इसको हमें यौगिक दे रहे हैं, 2 4 6 8, 3d हो गए, 4sp3। s कक्षक को p के तीनों कक्षक भाग रहे हैं, इसको हम एक साथ रख रहे हैं, ठीक है भाई। sp3 हो गया, ये sp3 क्या हो गए, संकरित कक्षक हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसको लिख रहा हूं NiCl4 -2K sp3 संकरित कक्षक,
ये हो गया Cl माइनस, ठीक है ना भाई, Cl माइनस सेकंड हो गए। अब इसकी ज्यामिति बनाते हैं, ज्यामिति किस वजह से चतुष्फलकीय है, ज्यामिति किस होती है चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार से होती है n i cl 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 और cl, इनको अपन मिला सकते हैं, ठीक है ना भाई, n i cl 4 क्या है, n i cl 4 और यहां पर माइनस भी हो, इसकी जो प्रकृति है अनुचुंबकीय कैसी है, अनुचुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय है क्योंकि इसमें आयनिक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो हैं, कितने हैं, दो, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है तो एक अलग फलन क्या है, अलग फलन μ को मान लीजिए μ बराबर अंडर रूट n n प्लस 2 bm होता है, μ बराबर अंडर रूट n का मतलब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, दो दो प्लस दो म्यू बराबर दो दो चार दो आठ, तो रूट एट इसका क्या हो गया, चुंबकीय आवरण, क्या हो गया, चुंबकीय आवरण, तो रूट एट का मान कितना होता है 2.42 वीएम, इसका क्या हो गया चुंबकीय आवरण, ठीक है ना भाई। और इसमें एक बात और, इसमें बाह्य कक्षीय संकुलन होता है ना कि आंतरिक कक्षीय संकुलन, ठीक है, क्योंकि बाह्य कोश के कक्षक काम रह जाते हैं, इसलिए इसे बाहर कक्षक मोड़ डाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या बोल देंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देंगे भाई, अगला एग्जांपल है NaCl4, अगला एग्जांपल है NaCl4-2, इसमें आपको बताना है इसमें संकरण कौन सा है और इसमें इसकी ज्यामिति कैसी होती है, Cl निकालो पहले, 4y बराबर संकरण sp3 है या फिर कौन सा है dsp2, तो ये सिंगल लिगेंड के किससे प्रारंभ हो रहा है, लिगेंड प्रारंभ हो रहा है कार्बन से, किससे प्रारंभ हो रहा है कार्बन से, मैंने बताया था, बताया था भी यदि लिगेंड कार्बन है नाइट्रोजन से प्रारंभ हो तो डी को पहले आता है, अब ऐसे स्थिति में यदि लिगेंड कार्बन से प्रारंभ हो रहा है तो कार्बन से प्रारंभ हो रहा है तो इसमें संकर कौन सा है dsp2, अब देखिए यहां एक और अवस्था में प्लस 2 अवस्था में ni परमाणु क्रमांक 28 है, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3D8, 4H2 और 4P0, तो आप देखिए Ni+2 मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के आयोजन यहाँ पे, तो उसको मैं अंदर लिखा हूँ 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3D8, 4H0, 4P0, डी कक्षा में एस कक्षा और पी कक्षा बाहर रहे, ठीक है ना भाई। अब Ni+2 की हम आद्य अवस्था ले लेंगे, आद्य अवस्था Ni+2 आद्य अवस्था, Ni+2 आद्य अवस्था ले रहे हैं, देखिए यहाँ डी कक्षा कर दिया, ये 3D है, ये 4S है और ये आपका है 4P, ठीक है भाई, आद्य अवस्था हो गई, इलेक्ट्रॉन कितने 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो खाली है, खाली है। अब इसमें देखिए लिगेंड Cn है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा युग्म, तो इसमें उत्तेजित अवस्था आएगी Ni+2, उत्तेजित अवस्था Ni+2 क्या है, उत्तेजित अवस्था Ni+2 उत्तेजित अवस्था,
होता है, ये डीक्यूएसपी दिस अंदर कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो बोले रहा हूँ देखिए, इसको अपन यूनिट लिख देंगे, दो चार दो छः आठ, ये खाली ये खाली ये एक रह गए यहाँ पे, ये डी एस पी टू संकृत कक्षक है, डी एस पी टू संकृत कक्षक है। ठीक है ना, आप लिखेंगे अपन एन आई सी एन का होल फोर माइनस टू के डी एस पी टू संकृत कक्षक संकृत कक्षक, इसको अपन कैसे लिखेंगे देखिए, ये अपन यूनिट कितने डाल देंगे इसको, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन चार दो छः और दो आठ, इसमें लिगेंड्स रहेंगे आपके, इसमें लिगेंड रहेंगे, कौन कौन से लिगेंड रहेंगे देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऐसे, ये लिगेंड कौन सा है अपना CN माइनस, तो यहाँ CN माइनस आ जाएगा, CN माइनस यहाँ, CN माइनस यहाँ, CN माइनस, तो इसकी जो ज्यामिति बनेगी और ज्यामिति बनेगी वर्गाकार सूत्र की इस प्रकार से, तीन द्रव्यमान क्या है Ni CN 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 माइनस टू, इसकी प्रकृति कैसी है, फिर चुंबकीय कैसी है, फिर चुंबकीय चुंबकीय आवेश का मान म्यू बराबर जीरो कुछ नहीं है, चुंबकीय आवेश का मान क्या है जीरो, और ये रंगीन कैसा है रंगीन, तो इस प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी क्या है आंतरिक कक्ष संपूर्ण काम में आता है, और कौन सा काम में आता है आंतरिक कक्ष संपूर्ण, इसमें देखिए कुछ नोट्स हैं, यदि क्रोमियम मैं लिख रहा हूं पहला, यदि क्रोमियम Cr+ की अवस्था हो, ऐसे अवस्था हो प्लस की अवस्था हो और Cn 6 हो, यदि क्रोमियम प्लस की अवस्था में हो Cn 6 हो तो संकरण सदैव D2SP3 होता है, तो संकरण सदैव D2SP3 होता है, कैसा होता है D2SP3 होता है, ऐसे एग्जांपल CrNH3 का होल 6 प्लस 3। दूसरा नोट लिखिए यहाँ पे आप देखिए, यदि Ni प्लस 2, यदि Na प्लस 2 हो और Cn कितनी हो 6 हो, कितनी हो 6, तो संकरण सदैव sp3 होता है, जैसे एग्जांपल देखिए Ni NH3 का होल 6, संक्रम कौन सा हमेशा sp3 12 चाहे सेकंड कैसा हो प्रबल से त्रिक करा हो, ये सब एक अपवाद है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, यदि Cu+1, यदि Cu+1 का जड़क +2
जेड एन प्लस टू हो और सी एन कितनी हो चार हो, कितनी हो चार, संकरण एस पी के उधर है तो संकरण एस पी थ्री होता है, होता है एस पी थ्री होता है तो संकरण सदैव एस पी थ्री होता है। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल देखिए सी यू एन एस थ्री का होल फोर और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी एल, एक एग्जांपल देखिए जेड एन एन एस थ्री का होल फोर जेड एन एन एस थ्री का होल फोर ये हो गया आपका सी एल, इसमें सी यू प्लस अवस्था में उसमें जेड एन प्लस अवस्था में दोनों में सी एन चार है तो दोनों में संकरण एस पी थ्री होता है। एक बात और बता दूं, यदि एन एस सी यू का होल फोर हो, यदि एन एस सी यू का होल फोर हो, एन एस सी यू का होल फोर NICU का होल फोर हो तो इसमें संकरण सदैव कौन सा होता है sp3, या याद रखना है कि अगर पूछा जाता है NICU का होल फोर, CO का मतलब है कार्बन है, NICU का होल फोर में संकरण कौन सा होता है sp3, कौन सा होता है sp3। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन देखते हैं PVD की कमी, PVD की कमी कौन कौन सी होती है, देखिए PVD की कमी है पहली संयुक्ता व सिद्धांत की पहली कमी क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, सीमा क्या है इस सिद्धांत की, पहली इसकी सीमा कमी इस सिद्धांत यह है, इस सिद्धांत के माध्यम से आंतरिक कक्षीय संकुलन बाह्य कक्षीय संकुलन की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है। शुरुआत में इस सिद्धांत के माध्यम से आंतरिक कक्षीय संकुलन, इस सिद्धांत के माध्यम से आंतरिक कक्षीय संकुलन और बाह्य कक्षीय संकुलन की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह सिद्धांत प्रबल क्षेत्रीकरण और दुर्बल क्षेत्रीकरण के बारे में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है और इसने धातु आयन को विशेष महत्व दिया है लिगैंड को। दूसरी कमी है यह सिद्धांत प्रबल क्षेत्रीकरण और दुर्बल क्षेत्रीकरण के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं करता है और सिद्धांत में धातु आयन को विशेष महत्व दिया गया है, धातु आयन को ही महत्व दिया गया है और लिगैंड को नहीं दिया गया है, में धातु आयन को बंद किया गया है लेकिन तो नहीं। नेक्स्ट यह सिद्धांत संकुल एवं के स्पेक्ट्रम और रंग की व्याख्या नहीं करता है, संकुल एवं के रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है और यह सिद्धांत संकुल एवं के ऊष्मा गति है तथा गतिकीय स्तर को नहीं समझा सकता है। पहली कमी है यह सिद्धांत, देखते जाइए यह सिद्धांत आंतरिक कक्षक संकुलन, आंतरिक कक्षक संकुलन तथा बाह्य कक्षीय संकुलन बाह्य कक्षीय संकुलन को स्पष्ट नहीं करता है, स्पष्ट नहीं करता है। वो स्पष्ट नहीं करता है। दूसरी कमी है यह सिद्धांत प्रबल क्षेत्रीकरण तथा दुर्बल क्षेत्रीकरण
को स्पष्ट नहीं करता है। और इसमें धातु आयन को, धातु आयन को महत्व दिया है, लिगैंड को नहीं दिया है। ठीक है, लिगैंड को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है धातु आयन को। नेक्स्ट लिखिए, तीसरी कमी देखिए, यह सिद्धांत संकुल योगों के रंग, यह संकुल योगों के रंग, यह संकुल योगों के रंग स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। और लास्ट है, यह सिद्धांत ऊष्मा गति प्रगति स्तर में समझा सकता है, यह संकुल यौगिकों के ऊष्मा गतिकीय तथा स्थायित्व को नहीं समझा सका, नहीं समझा सकता है। ठीक है भाई, ये ऐसी क्या है, कुछ कमी है, क्या है कमी, दोबारा से लिखा हूं यहां, ठीक है, ऐसी क्या है कमी है, क्या है कमी। ये हो गया आपका कंप्लीट संयोजकता का सिद्धांत, क्या है संयोजकता का सिद्धांत, जिसमें अपन ने पढ़ाया ये मूलतः संकरण पर आधारित होता है। और इसमें आपसे क्या पूछता है कि इसमें पूछेगा कि बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि निम्न संकुल योगक में संकरण कॉमा ज्यामिति कॉमा प्रवृत्ति कॉमा चुंबक की आवश्यकता पता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें कमी हमने बता दी है, सीमा बता दी है। देखिए नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो आएगा आपका स्तर से सिद्धांत, इसके बारे में हमने आपको कंप्लीट बता दिया है और हमने आपको कुछ एक्सेप्शन बता दिए हैं, वो बात बता दिए हैं, देखो आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, इसमें आपको मैंने एक अपवाद बताया था NiCO का होल फोर, वो आपको याद रखना है। NiCO का होल फोर में sp3 क्या होता है, संकरण होता है, जिसको एक आपको मोस्ट है केवल पूछा भी गया है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और बाकी मैंने एग्जाम्पल बता दिए थे, पहला एग्जाम्पल मैंने बताया था CONSP का होल 6 Ar3, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल बताया K3CO F6, उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बताया NiCl का होल 4 -2, उसके बाद बताया NiCN का होल 4 -2, और उसके बाद कुछ एक्सेप्शन जो बात थी वो मैंने बता दिए हैं और सीमा मैंने आपको बता दी है। ये सिद्धांत यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट सिद्धांत आपको कल भी पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट सिद्धांत नेक्स्ट कल भी पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई,
नेक्स्ट सिद्धांत में आपको कल पढ़ाऊंगा, आज इतना ही काफी है। आज को पढ़ना आपको, आपके पास प्रॉपर नोट्स भी हैं और आपको आप थोड़ा स्टडी करना, आपको प्रॉपर नोट्स भेजे जा रहे हैं। यदि कोई आपको समस्या हो तो आप बता देना, आपको कमेंट कर देना, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बता देना। मैंने ये पाठ करो 70-80% को करवा दिया है और कुछ इनको सिद्धांत और वो बता दिया जाएगा। और यदि कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।